हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लास टेंथ वालों के लिए साइंस विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों टोटल 48 क्वेश्चन, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट 1 है। जो भी छात्र यहाँ पर बिहार बोर्ड से या फिर किसी भी बोर्ड से परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का, आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को इसी तरह का काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिले, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, और ये चैनल तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी दोस्तों क्लास टेंथ के छात्र हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट को और साथ में चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिए दोस्तों starkstudy.com। वहाँ पे आप लोगों को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। गूगल पे सर्च करना मत भूलिएगा, और साथ में हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं साइंस का, यहाँ पे विज्ञान का। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है समतल, अवतल, उत्तल या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आप लोग टेस्ट के रूप में देख सकते हो दोस्तों। आप लोग अगर आंसर पता है तो फटाफट कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ये आप लोगों को ऑप्शन है समतल, अवतल, उत्तल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अवतल, क्योंकि इसमें जो है दाढ़ी बनाने में जो उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, इसलिए यहाँ पर अवतल दर्पण हो जाएगा। बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो ये अवतल में। फिर आता है दोस्तों कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में दोस्तों अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा 2 का A। फिर 3 नंबर आता है दोस्तों कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंसों में जो मुख्य फोकस की जो संख्या होती है दोस्तों वो होते हैं 2, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 का A हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेंस जो होता है इस तरह से, मान लो ये उत्तल लेंस है, F1 होता है, F2 होता है, तो 2 यहाँ पर फोकस होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पर 3 का A। 4 नंबर है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है दोस्तों 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर इसी को हम लोग किलोमीटर में करेंगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति यहाँ पे घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे, सॉरी किलोमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बोला जा रहा है कि कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? क्या है कि कॉर्निया में अगर दोष हो जाता है अर्थात पूर्णतः गोलीय न होता है, उसका कारण किस दोष के कारण होता है दोस्तों? ये सभी तो ये होता है आप लोगों का अबिंदुकता के कारण, ठीक है। उसका गोलीय जो है यहाँ पे पूर्णतः गोल नहीं हो पाता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 5 का A हो जाएगा, अबिंदुकता का ये दोष का उदाहरण है कॉर्निया में दोष होना। 6 नंबर है कि निकट दृष्टि दोष वाले चश्मे में इस्तेमाल करते हैं। निकट इसका मतलब निकट तो अवतल हो जाएगा, दूर तो उत्तल, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रिक बता देता हूँ एक, निकट निकट में अ आता है दोस्तों, निकट बोलने में ही अ आ रहा है, तो इसका मतलब ये अवतल लेंस, याद कीजिएगा। निकट के लिए अवतल, दूर उत्तल, ठीक है, याद रखिएगा। दूर के लिए उत्तल, निकट निकट अ अवतल, दूर उत्तल, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से आप लोग कभी नहीं भूलोगे अगर उत्तल अवतल में फंस जाते हो तो, क्लास टेंथ के अधिकतर स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले चश्मे में इस्तेमाल करते हैं अवतल लेंस। फिर आता है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों? इसमें आप गया अवतल लेंस, तो राइट आंसर यहाँ पर 6 का B हो जाएगा, और 7 का भी यहाँ पर B हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से जो धारा प्राप्त होती है दोस्तों वो होता है आप लोगों को डायनेमो, जनित्र उसको बोलते हैं ना, तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों निकलता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 8 का C हो जाएगा। 9 नंबर है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक मतलब पावर का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? वाट में हम लोग निरूपित करते हैं इसको, ठीक है। 10 नंबर है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ होता है, क्या क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ जो होता है दोस्तों वो होता है आपका नरम लोहा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 10 का A नरम लोहा,
फिर 11 आता है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो ताप बढ़ने पर जो चालक का प्रतिरोध होता है दोस्तों, वो होता है बढ़ता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ताप अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो भी आप लोगों को यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है, रेसिस्टेंस। तो याद रखिएगा, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज टू टेम्परेचर मतलब यहाँ पे रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा रेसिस्टेंस, तो बढ़ता है, ठीक है। फिर आता है 12 नंबर दोस्तों कि विद्युत द्वारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, सॉरी, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग जनित्र बोलते हैं ना। तो सही उत्तर यहाँ पे 12 का ए हो जाएगा, जनित्र, ठीक है। 11 का ए था यहाँ पे दोस्तों, और 12 का भी ए हो जाएगा, जनित्र। 13 नंबर है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को अंकित करता है। बाम हस्त मतलब बायां हाथ के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। तो बायां हाथ में अगर मान लो दोस्तों ये तर्जना है और ये अंगूठा है, और एक यहाँ पे एक और होता है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे अंगूठा बोल रहा है ना, मतलब ये जो है किस दिशा की ओर अंकित करता है। तो ये होता है दोस्तों फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठा जो होता है वो आप लोगों का यहाँ पे बल की, फोर्स की ओर इंगित करता है, ठीक है। तो याद रखें यहाँ पे 13 का सी फोर्स। 14 नंबर है दोस्तों कि विद्युत जनित्र में क्या क्वेश्चन है, कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्या क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों, तो वो किया जाता है आपका विद्युत ऊर्जा में। तो सही उत्तर यहाँ पे 14 का सी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। 15 नंबर है तो कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जो आवश्यक होता है वो यूरेनियम होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 15 का सी हो जाएगा, यूरेनियम। फिर 16 नंबर आता है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर में, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय मतलब जिसको बार बार हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, तो वो होता है सौर ऊर्जा। कोयला लाखों वर्ष, पेट्रोल लाखों वर्ष, प्राकृतिक गैस भी लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में, लेकिन सौर ऊर्जा तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है, उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो 17-16 का सी, और फिर इसको बना भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। 17 है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हो जाता है दोस्तों आप लोगों का कौन सी अभिक्रिया, भोजन का पचना तथा पकाना, ये होता है ऑक्सीकरण मतलब उपचयन अभिक्रिया। तो 17 का सी आपका सी हो जाएगा। 18 है दोस्तों कि CaCO3 में CaO+CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। क्या क्वेश्चन है कि CaCO3 जब विघटन होता है यहाँ पे दोस्तों, CaO और CO2 में यहाँ पे विभक्त होता है, ठीक है, तो ये किस तरह की मतलब अभिक्रिया होती है, ये अपघटन अभिक्रिया के रूप में आता है दोस्तों, उदाहरण है। तो सही उत्तर यहाँ पे 18 का सी। 19 है कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों, तो शोषण जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा उपचयन अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीडेशन उपचयन हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे इसका ए, ठीक है। 20 है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, 2CO+O 2CuO, इस तरह का जो अभिक्रिया यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों, ये कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, या फिर कॉपर का अवकरण, या फिर कॉपर का नाइट्रेशन, या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों Cu+O बताया गया है, जिसमें ज्वाइंट हो जाता है यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर 20 का ये ऑक्सीकरण क्या है, 2CuO+O। अगर इसको हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं दोस्तों, तो 2CuO होता है, तो ये आप लोग का यहाँ पे कॉपर का इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर, बोला जा रहा है कि इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है, नारंगी का रस, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, साबुन। तो नारंगी का रस जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो अम्लीय पदार्थ के रूप में यहाँ पे आता है, ठीक है। बहस है कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच होता है, तो पीएच जो मान होता है दोस्तों वो अम्लीय का 7 से अधिक होता है, और 7 से कम जो होता है दोस्तों, सॉरी, 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय का होता है, ठीक है, 7 उदासीन, और 7 से अगर कम है दोस्तों, मतलब 7 माइनस मतलब 7 से कम है, तो ये हो जाएगा आपका अम्लीय, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है वो 7 से कम होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे 22 का सी। फिर 23 नंबर है दोस्तों, बोला जा रहा है आप लोगों को कि विलयन में, सॉरी, निम्नलिखित में कौन लवण है।
लवण पूछा जा रहा है, मतलब साल्ट के रूप में हम लोग इसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पे NH4OH। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों 23 में वो K2SO4 हो जाएगा, ये एक साल्ट के रूप में यहाँ पे है। 24 है कि चीनी का रासायनिक सूत्र मतलब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, जानती होंगे दोस्तों हर एक छात्र, C12H22O11 वही ना होता है दोस्तों, ये आपका 24 का सी आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारे जानकारी मिला होगा दोस्तों, और इस तरह के आप लोग के बोर्ड परीक्षा में लेवल रहते हैं, क्योंकि इस मॉडल सेट में हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए थे, विज्ञान से साइंस से। इस तरह के आप लोगों को कम से कम मैं 30 से 40 ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट दूंगा, और कम से कम 10 जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। 10 सेट कम से कम 30 से 40 सेट तो दूंगा ही दूंगा। ये ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट दोस्तों आप लोगों को किसके बारे में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप लोगों को इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियो देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मोबाइल ऐप और वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने मोबाइल पर प्रैक्टिस शीट के रूप में कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।